मंगो दुआ के शाला इंजदा नसीब होवे, मंगो दुआ के शाला इंजदा नसीब होवे। जद आवे मौत मैनू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों और बुजुर्गों। दोस्तों मैं अगली वीडियो नाल तारी खिदमत आ गया। ऐ देख रहे हो तुसीं, ऐ एक फल है जिस दे ये बीज ने। वैसे तो ये किसी तारीफ के मोहताज नहीं है, लेकिन फिर भी असी तो इसकी तारीफ करनी करनी है, क्योंकि अल्लाह सोने की जात ने हर जड़ी बूटी हर चीज़ के तारीफ जी ना वो तारीफ के काबिल बनाई है। लेकिन यह जी बीज तुसी देख रहे हो एक सफर जल फल है जिस दे बीज ने। सफर जल सफरजल के बीज ने और इसका नाम है बी दाना, यानी कि ये बी दाना है। सफरजल के जोड़े बीज होंगे ने उसनों बीज दाना कहा जाता है और ये बी दाना ताडे सामने हाजिर है। और दोस्तों ये बी दाना जरा एक लुआबदार है, यानी कि लुआबदार बीज है। रंग इसका तुसी देख ही रहे हो सुरखी माइल तो हल्के हल्के काले ने और लेसदार जायका इसका बिल्कुल फिक्का होता है। तो और इसकी तासीर जड़ी है वो ठंडी, यानी कि अच्छी ठंडी मौत दिल होती है। और इसकी खुराक जड़ी है ये तकरीबन अद्धे तोले तो तोला भी बंदा इस्तेमाल कर सकता है। और इसका जो दरख्त है पौधा है वो ज़्यादातर पहाड़ी इलाकों के विच हुंदा है ते और इसका बहुत ही खूबसूरत खूबसूरत बहुत अच्छा ये फल हुंदा है सफरजल, जिन्हों के आम सफरजल जड़ा है उसका मुरब्बा भी बनाया जाता है, जिन्हों के बी का मुरब्बा किया जाता है मुरब्बा बीही। और इसका जड़ा कि लुआब बनाया जाता है इस बी दाने का, क्योंकि जड़ा इसका फल है वह तो सिर्फ मुरब्बे के इस्तेमाल होता है या वैसे खाया जाता होएगा, क्योंकि वह ज़्यादातर पहाड़ी इलाके होता है कश्मीर के इलाके होता है। और इधर ज़्यादातर जरा इसका बीज है वो बहुत ज़्यादा दवाइया इस्तेमाल होता है और तकरीबन हर पंसार की दुकान पर मिल जाता है। और इसका इस्तेमाल जरा वो ज़्यादातर लुआब बना के इस्तेमाल किया जाता है, वैसे इनू कुट के पाउडर बना के भी इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन वह मैं तुम्हें अगे दसदा कि इसका लुआब जरा है अगर छोटे बच्चों को बुखार की अलामत होंगी है ज़्यादा तो बुखार दे विच अगर बच्चा तलखी करता है तो उसनू इसका लुआब जरा ना वो दिता जाए तो उस दे नाल भी वो बहुत बेहतर हो जाता है। अगर गर्मी की वजह के नाल नज़ले जुकाम की शिकायत ज़्यादा हो जाती है तो उस दे नाल भी जनाब बहुत बेहतर होएगा। और ये हर उम्र वास्ते एक जैसा ही इस्तेमाल किया जा सकता है, यानी कि एक जैसे तो मुराद है कि मकदार तो थोड़ी तो ज़्यादा हो सकती है, लेकिन इस्तेमाल हर लिहाज नाल किया जा सकता है, यानी कि ज़्यादातर इसका लुआब ही इस्तेमाल होता है। और एक गले की सोजिश वास्ते भी इसका लुआब इस्तेमाल किया जाए तो उसके वास्ते भी बहुत ज़बरदस्त है। और अगर खुशक खांसी आती हो खुशक खांसी के भी इसका इस्तेमाल किया जाए तो उसके वास्ते भी ज़बरदस्त है। अगर पेचिस की हालत अगर पेचिस लगे हो पेट खराब होया
उस दे विच भी इसका लुआब इस्तेमाल किया जाए तो वह बहुत बेहतर है, उसके वास्ते भी बहुत फायदेमंद है। और इस तो अलावा अगर नमूनिए की अलामत दे विच इसका इस्तेमाल करना हो तो उस दे नाल सपस्तान और इसका दोनों का लुआब बना के तो वह इस्तेमाल किया जाए, वह नमूनिए दे विच भी फायदा रखते हैं और वह नमूनिए वास्ते बहुत बेहतर है। अगर इस तो अलावा देखो अल्लाह ताला ने एक जड़ी बूटी दे विच किन्ने ज़्यादा फायदे रखे ने कि इंसान सोच भी नहीं सकता। और ये जड़ा के बी दाना है और ये नज़रे वास्ते तो जिस तरह तुम मैं पहले दस चुके हाँ कि नज़रे वास्ते बहुत बेहतर है। और इस तो अलावा अगर छोटे बच्चों को खसरे की अलामत हो जाती है तो खसरा अक्सर जड़ा ना वो गर्म चीज़ों के नाल खसरे के दौरान खिलाइया जाए जिस दे नाल बाज़ औकात बच्चे नू तलखी भी ज़्यादा होती है और उन्हों पुटियां भी लग जांदियां ने। और उस तो बाद तुसी ए बी दाने दा लुआब जड़ा है वो बच्चे नू दिता जावे, बड़ा होए बड़े ने भी दिता जा सकता है, बच्चे ने भी दिता जा सकता है। इस दे नाल जनाब दिल नू भी सुकून होएगा और पेट नू भी सुकून होएगा, इस दे नाल तलखी भी खत्म होएगी। और इस तो इलावा जनाब गर्मी दे नाल अगर दस्त लग जाते हैं, मोशन लग जाते हैं, बेशक वो छोटा बच्चा होवे, बेशक बड़ा होए, बेशक किन्नी भी ज़्यादा उम्र का होए, जेड़े ज़्यादा बुजुर्ग ने वो तो खैर यहोजियां चीज़ां बहुत शौक नाल इस्तेमाल करते हैं, बल्कि करनिया चाहिए ने कि यो ही तो चीज़ा खालस ने, तो खालस चीज़ जड़ी ना वो हमेशा बेहतर तो बेहतर फायदा देती है। तो इसका जरा लुआब है वो जनाब बना के जरा तुम मैं दसन लगा हाँ पेचस की गर्मी के पेचस की हालत इसका लुआब बना के उसके अंदर शरबत संदल थोड़ा जहा मिला के और इस तों इलावा नाल छिलका इस बगोल मिला के तो वह पिलाया जाए, इस दे नाल जनाब बहुत बेहतर फायदा होएगा, बहुत ज़बरदस्त फायदा होएगा और पेट नूं बेहतरीन सुकून देगा, बेहतरीन आराम देगा। और इस तो अलावा जड़ा कि ये तुसी देखिया ये बड़ी ही आला चीज़ है और बहुत ही ज़बरदस्त चीज़ है और इसका नाम जड़ा अरबी दे विच इनू हब्बल सफरजल भी कहा जाता है और इसनू तुखम सफरजल भी कहा जाता है, लेकिन आम ज़्यादा जबान दे विच इनू असी बी दाना ही कहा जाता है। और ये बड़ी ज़बरदस्त चीज़ है, इस ना कोई साइड इफेक्ट नहीं कि छोटा बड़ा जेड़ा मर्जी इस्तेमाल कर सकता है, बहुत ही अच्छी है, बड़ी ही आला चीज़ है, बड़ी ज़बरदस्त चीज़ है। तो उम्मीद है कि ये सारिया चीज़ा ताड़ी समझ आईया हो, इंशाल्लाह ये चीज़ बहुत ज़्यादा फायदा देने वाली है और इंशाल्लाह कि ये वीडियो भी तुम्हें अच्छी लगी हुई होगी, इंशाल्लाह इनू लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करना ना भूलो। तो इंशाल्लाह अगली वीडियो ना फिर मिलेंगे, इजाज़त अल्लाह हाफिज़, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। बदेरे सरकार नो कमांगे गम हो गए, बदेरे सरकार नो कमांगे दर्दा दर्दा दर्दान पाए घेरे, दर्दान पाए घेरे सरकार नो कमांगे दर्दान पाए घेरे।